हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, सबको मेरा चैनल में वेलकम है। तो आज मैं फिर कहीं जा रहा हूँ, अभी रास्ता में है, निकल गया, चेन्नई जा रहा है फिर वेलोर में, जो कि आपको पता है सबको कि मेरा बीमार हो गया था। तो उसी बीमार को फॉलो अप चेकअप के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं फिर। और अभी तो हम मार्केटा अपना ही गाड़ी, पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, और मार्केटा और चांगलांग का व्यू को भी हम दिखाएगा, और हम लोग का अरुणाचल का व्यू, रास्ता, माउंटेन की जंगल दिख रहा होगा। अब मेरे पीछे में ये गाड़ी में दिखाई दे रहा है, और आगे का फ्रंट व्यू भी मैं दिखाता हूँ आप सबको। ये है आगे का व्यू। बहुत खुशी से घर से निकला था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के साथ हम लोग को पता चला कि हम लोग का फ़्लाइट जो है मिस हो चुका है बोलते। तो हम लोग का खुशी जो है दुख में बदल गया, और हम लोग सीट रिजर्वेशन करने के लिए स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं, और हम लोग का टिकट जो है फैमिली पैकेज में लिया है बोलते, सीट जो है रिजर्वेशन में जाके उसी टिकट को फिर दूसरा में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं ले पा रहे ऐसे बता रहे हैं। लेकिन आखिरकार भगवान हम लोग का साथ दिया है, और 5000 रुपीस एक्स्ट्रा देने के बाद में हम लोग को सीट मिल गया, और हम लोग अभी बोर्डिंग, नेक्स्ट फ्लाइट 4 बजे का फ्लाइट में हम लोग का फ्लाइट जो है बुकिंग कर दिया है, और अभी हम लोग बोर्डिंग स्टार्ट हो गया हम लोग का। और ये देखिए गाइस, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, और ये है फ्लाइट का अंदर, हम लोग को लास्ट वाला सीट मिला है सबसे लास्ट में, तो लास्ट से ऐसा व्यू आता है। सांस लेते रहे, दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेगी। टेक ऑफ होने के तुरंत ही बाद हम लोग बादलों से बात कर रहा था गाइस, देखिए बादल बहुत ही सुंदर दिख रहा है फ्लाइट का खिड़की से, विंडो से मैं देख रहा हूँ, और आप सबको भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। और मेरा वाइफ ने ये चिकन नूडल्स मंगाया है, जो कि कप नूडल्स है, चिकन कप नूडल्स मंगाया है फ्लाइट से। और ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बादल जो है ऊपर से दिखने को ऐसा है, और माउंटेन जैसा, सॉफ्ट माउंटेन जैसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। ये हमका धरती में बारिश बन कर कहर रहा है आजकल, लेकिन ऊपर से देखने इतना बहुत हो गया। 1 hour 50 minutes हवा में रहने के बाद हम लोग कोलकाता में लैंड हुआ, और कोलकाता का एयरपोर्ट ऐसे दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। तो मुझे बहुत सफोकेशन फील हुआ, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता का व्यू, ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर सब चीज़ मिलता है, ये देखिए बैग मिलता है, सब चीज़ मिलता है भाई, कपड़ा भी मिलता है, शूज़ मिलता है, सब चीज़ मिलता है। ये सब देखिए बहुत ही सुंदर है व्यू, ये सब देखिए, ये ट्रेडिशनल है लगते हैं सब। ओके टेंट, वाओ ये सब इतना सुंदर सुंदर रखा हुआ है। देखिए गाइस, ये काट का ना क्या बेम्बू का बना हुआ है शायद। अभी रात का 8:30 PM हो गया गाइस, और अभी हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया फिर कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेन्नई जाने के लिए। ये फ्लाइट है हम लोग का आज हमको सफोकेशन होता है फ्लाइट में, और वोमिट वोमिट वोमिटिंग भी आता है, फिर भी उपाय नहीं है, हमको अभी जाना तो पड़ेगा। ऊपर का नज़ारा देखिए, ये सुंदर सा, अच्छा सा है। और 2 घंटा जर्नी के बाद आखिरकार हम लोग चेन्नई टाउन के ऊपर से गुजर रहा था, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है रात को। तो मैंने एक
वीडियो बनाने के लिए सोचा है। और ये आप लोग देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर है। रात को बहुत लाइटनिंग चमक रहा था तो इसलिए मैंने टाउन को कैप्चर करने के लिए कोशिश किया और ये है व्यू। और हम लोग लैंडेड हो गया। हम लोग का बैग काम ही आ रहा है भाई, बैग को रुक रहा है हम लोग। डल नंबर 3 में बैग रुक रहा है, वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग चेन्नई पहुँच गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अभी वेट कर रहे हैं। आखिरकार एक बैग आ गया, अभी दूसरा बैग का वेट कर रहे हैं। दूसरा बैग के लिए वेट कर रहे हैं। ये आ गया और दूसरा बैग, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का, ये यही है, यही है, यही तो सफारी का नहीं है क्या? यही तो है, मिल गया। हाँ, मंगल तकाला तो क्या, तो दोनों पे आ चुका है। और हम लोग अभी चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। अभी 12 रात का 12 बज चुका है। अभी हम लोग अभी यहाँ से फिर कैब ढूंढेगा, इसके बाद कैब में वेलोर जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं रास्ता में। अभी 12:30 हो गया गाइस, तो हम लोग अभी वेलोर के लिए निकल रहे हैं। अभी फ्यूल डाल दिया यहाँ से गाड़ी में, और लगेगा चेन्नई से वेलोर पहुँचने में। तो गाइस, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएगा इसी को, इस वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं और चेन्नई पहुँच और वेलोर पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि कितना आवर्स में हम लोग पहुँचेगा वेलोर। तो गाइस, हम लोग अभी वेलोर पहुँच गया है। कैब से हम चेन्नई, हम पहले भी बोल चुके हैं जो कि कैब बुक किया था चेन्नई से वेलोर के लिए। वेलोर और चेन्नई के बीच में जो 130 किलोमीटर होता है उसको, हाँ, यहाँ पहुँचने में हमको 3 hours 30 minutes ऐसा कुछ लगा है। तो अभी हम लोग पहुँच गया, रूम भी मिल गया। हम लोग देखिए, अभी पहले जो हम पहले फर्स्ट टाइम जब हम आया था तो इसी रेंज में बैठा था, तो वही रेंज में हम फिर भैया को फ़ोन करके रूम देने के लिए बोला है। तो भैया भी अभी सुबह का 3:30 AM में उठ के हम लोग रूम के लिए वो दरवाज़ा खोल दिए, तो बहुत अच्छा लगा। या मैं रूम हम लोग को मिल गया, देखिएगा।